देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने उज्जैन में भी अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंठाल चौराहे पर किए गए प्रदर्शन में सांकेतिक रूप से गले में सिलेंडर के पोस्टर पहने, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के तत्वाधान में आज सभी लोगों ने एकजुट होकर ये शिवराज सिंह की जो सरकार है, इस सरकार में आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर जा रहे हैं। गैस की टंकी 900 रुपये के लगभग पहुंच गई है। आम गरीब जनता परेशान है और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार शहर में आंदोलन कर रही है। उसी तारतम्य में ये आज आंदोलन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर गैस की टंकी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करे गए तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उज्जैन के प्रशासन की होगी। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मीडिया से कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर बना दिया है। एक तरफ पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के भाव में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। आम आदमी हलाकान है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।